ये स्कैल पर हमारा अभी विद इन 7 सेकेंड, विद इन 6 सेकेंड। मैं आपको अपना स्कूल दिखा देता हूँ, बच्चों ने यहीं पढ़ा है मैंने। ये अपना एक बिग बार ऑफिस से टारगेट देता हुआ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा आपके लाइफ में। और आज है ट्यूसडे, फिर निफ्टी का एक्सपायरी, और इस वीक में भी 14 तारीख को हॉलीडे है, अम्बेडकर जयंती की वजह से हॉलीडे है। तो ये वीक में हमारा 4 डेज का होने वाला है, तो देखते हैं इस वीक हम क्या करते हैं। और कल तो हमारा ठीक ठाक ही था, आज फिर निफ्टी एक्सपायरी, तो आज कुछ करेंगे, आज कुछ बनेगा मुझे लग रहा है। लग तो क्या ही रहा है, मतलब जैसा मार्केट दिखाएगा वैसा करेंगे। और मैं भी अभी उठा हूँ, 9 बजने वाले हैं, जिम नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं क्या नींद नहीं खुल रही आजकल, देर रात हो जा रही है। तो अभी सिस्टम इस्टा ऑन करते हैं और अपना सेटअप करते हैं रेडी। तो अभी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ठीक है, निफ्टी सब तो बहुत अच्छा गैप दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया गैप अब खुल रहा है मार्केट। और इस गैप के साथ क्या चला जाएगा, नहीं चला जाएगा देखेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया अभी फ़िलहाल, ये लेवल इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग और यहाँ क्लोजिंग दे दी, इट मीन्स कहने की पुट साइड में दबा के एंट्री करवाई है, अभी ऊपर खुल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैप बना है। और अगर बैंक निफ्टी को देखूं, ये इन्होंने पूरा लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी और हाई पे खोल दिया वापस, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैप बना है भैया पूरा गेम। और अगर मैं बाकी स्टॉक्स को देखूं, रिलायंस, HDFC, रिलायंस है ऊपर ही खुल रहा है, रिलायंस भी ऊपर ही खुल रहा है, निफ्टी कहाँ खुल रहा है? निफ्टी तो पूरा हाई तोड़ के ऊपर निकल गया है, निफ्टी में हाई के आसपास एक हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लेवल्स अपने सारे पहले तो आपके बने होने चाहिए, लेकिन जब आप मार्केट प्री ओपन सेटल हो जाता है उसके बाद पक्का अपने लेवल्स को सेट कर लो, उसके बाद लेवल्स लगा के रख लो, क्योंकि जो आपने पहले प्लान किया उसको तो सब धरा का धरा रहता है जब मार्केट प्री ओपनिंग देता है। तो 128 पॉइंट और ये 1% ही अब खुल रहा है भाई साहब बैंक निफ्टी, और फिर निफ्टी भी अपना सीधा 1 इसके ऊपर खुल रहा है। और यहाँ से अगर मैं एक लेवल लगाता हूँ तो ये देखो, ये भी एक पैटर्न बन गया, ये जोन, इसका ब्रेकडाउन, ये एक ट्रेंड लाइन पर था, इसका ये टेस्ट कर दिया ऐसे ब्रेकडाउन और सीधा ऊपर ही खुल रहा है, इट मीन्स यहाँ जितने फंसा है ना, इनके एसएल्स गए, सबके एसएल गए, तो हो सकता है यहाँ से आप मूव दे दे। तो दोस्त अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्कैल्पिंग की स्पीड क्या होती है, कितना तगड़ा स्कैल्प चाहिए होता है विद इन, भाई मैं 1 सेकंड भी नहीं होगा, 2 सेकंड भी नहीं होगा, आई मेड द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1,65,000 विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो लेट मी शो यू द स्पीड मैन, क्यों मैं बिग बार सेटअप पर काम करता हूँ, क्यों मेरे को स्कैल्पिंग में मजा आता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो गाइज अभी क्या था, देखो मार्केट एज एक्सपेक्टेड क्या था कि नीचे साइड में बोला था कि ट्रैप किया है, अप मूव दिया है, तो अप मूव में जहाँ पर भी खुलेगा थोड़ा सा एक स्पाइक, इसने अप मूव की स्पाइक देनी थी है ना, और यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस जोन पहले से बना के बैठा हूँ, अप मूव की स्पाइक देनी थी और यहाँ से नीचे आता है, बट ये इमीडिएटली कभी नीचे नहीं आता है ना, ये नीचे आके एक अप मूव की स्पाइक देता है, ये भी एक बिग बार सेटअप के अकॉर्डिंग आता है। ये स्कैल्प हमारा अभी विद इन 6 सेकंड इट इज 1.65 लाख का प्रॉफिट है विद द कैपिटल ऑफ अराउंड, इसमें मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया था, अगर मैं इसके ऑर्डर कहाँ मैंने ऑर्डर पंचअप किए थे, ये था अराउंड ये लो 7.20 में मेरा डिप्लॉय था, सारे ऑर्डर्स यही थे मेरे, 20 ऑर्डर्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने सब पंचअप किए थे, और मैं सेल बास्केट बनाता हूँ जिसको मैंने एग्जिट किया था। तो ये मेरा सेल बास्केट हो गया, एक साइड बाय बास्केट, एक साइड सेल बास्केट, एंड ये देखो अब इस पर चलते हैं ऑर्डर्स पर। तो 20 ऑर्डर्स पंचअप हुए थे, कितने पे हुए थे देखो, ये हुआ था 18,50 पे, 18,500 ही कॉल ऑप्शन, 9:15 11 सेकंड में, सारे 20 ऑर्डर्स हैं, ऊपर कंप्लीट ऑर्डर 40 है, तो 20/20 सेल, और ये प्री प्लान्ड ट्रेड था ठीक है। एंड देन इस पर मैंने 9:15 11 सेकंड पर उठाया, 9:15 17 सेकंड में इसको मैंने पूरा निकाल दिया, तो अब दिखा देख लो कितना कितने 17 सेकंड पे, एंड देन जो सेकंड मैंने एग्जिट किया 9:15 23 सेकंड में, ऑलमोस्ट कह सकते हो 9:06 सेकंड, विद इन 6 सेकंड आई हैव मेड अराउंड 1.65 लाख। दिस इज स्कैल्पिंग, इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। एंट्री स्पीड एंड एग्जीक्यूशन स्पीड शुड बी वेरी फास्ट, और अगर आप मेरे ऑर्डर्स जहाँ पर मैंने लगाए थे, आप इसका स्पाइक देखोगे, कैंडल से वहीं तक ही आई है, ये मैं 25 में निकला, कैंडल वेंट टू 30, ये 30 तक भी गया था दोस्त, बट मेरे को मेरा खाने लायक मिल गया ना, 20 का 25 ऑलमोस्ट एक तरीके से 25% मिल गया ना, और क्या चाहिए।
ठीक है, तो ये हमारा मॉर्निंग मॉर्निंग में एक स्पाइक एक स्कैल्प हो चुका है, वो भी फिन निफ्टी का, क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, इसलिए मैं मंडे ट्यूसडे फिन निफ्टी में करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होती स्पीड मोमेंटम, है ना। और अब आप इसके चार्ट को देखो, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना के रखा था, वो रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा है नीचे, ठीक है। और हुआ क्या है, पूरा का पूरा गेम अभी तेरी नाचेगा, क्यों नाचेगा, क्योंकि इधर जितनों को फंसाया कल, ये जो प्राइस एक्शन के होते हैं ना कीड़े फूल टू फूल की, यार ये हुआ होगा तो कल ये होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने जो मेरे बैच में बंदे हैं उनको एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो तुम्हें मार्केट में लग रहा है कि ये चीज़ है, ये चीज़ हुआ है और कल ऐसा खुलेगा, कहीं नहीं खुलेगा, वो हमेशा उसका अपोजिट जाएगा, हमेशा फंसाएगा, वो इतना इजी मनी कभी नहीं देगा। यहाँ पर देखो पैटर्न बनाया, एक ट्रेंड लाइन भी बनाई, इसको तोड़ा नीचे, देखे क्लोजिंग दे दी थी, टेस्ट करी क्लोजिंग भी दे दी, अब क्या कर दिया, ये कोई पैटर्न नहीं। सो सादा का सादा गेम अपने आप को डिसिप्लिन रखने का, अपनी क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी पे काम करने का, वो तो वो भी इंट्राडे में, और ओवरनाइट तो लेके मत जाना। और अभी इसका प्रीमियम देखो अराउंड 27 फिर चला गया है, अब देखते हैं इसके बाद फर्स्ट ट्रेड, इस ट्रेड को तो मैं गिनूंगा नहीं कि मेरा कोई ट्रेड है, अब मेरे ट्रेड चलेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा चला निफ्टी, फिर निफ्टी में अपन ट्रेड कर रहे हैं, फिर निफ्टी में एक और बिग पार सेटअप टारगेट अपना आ गया, और अपन इसमें निकल चुके अराउंड 19,000 लेके। सो अभी हमारा चल रहा है 184, सिंपल सा जो हमारा बिग बार सेटअप बनता है, तो जितना मैंने एसएल रखा है उसमें अराउंड 50% के नीचे रखा था एसएल, कि अगर कैंडल मेरी इसके नीचे अगर आ जाती तो मैं शायद इसमें से निकल सकता था, क्योंकि ये डबल टॉप बना के आ सकता था नीचे, बट इसने कम समाओ कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक सा टारगेट दे दिया है, 30 का प्रीमियम अराउंड 36-37 10-20% तो सिंपल सा इस स्कैल्पिंग में आपको मिल ही जाता है। तो ये अपना एक बिग बार वापस से टारगेट देता हुआ, और यहाँ सेम चीज़ यहाँ पर भी एक बिग बार बना था, और इसका भी अगर मैं बैंक निफ्टी में भी देखूँ तो बैंक निफ्टी में भी सही चला है बिग बार, एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, इसके बाद एक स्पाइक, और इसमें आप प्रीमियम चेक करना क्या मूव करता है। और ये बस एक बैंक निफ्टी, जो हमारा ये निफ्टी है थोड़ा सा ये यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, इसलिए स्ट्रेट से मेरे को निकलना पड़ा, अदरवाइज मैं इसको लेके चल सकता था, बट स्कैल्पर हैं तो पहले ट्रेड फिर बाद में ज्ञान, है ना, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि अगर बंदा अगर सेकेंड्स में निकल रहा है, कहाँ गए वो, ये अगर 11-11, 12-12 सेकेंड में निकल रही है चीज़ें तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेके गया था, वो थोड़ा सा कॉल के उसमें पुट लेके गया था अराउंड 18,550 के पीस में, ही 5 लाख के कैपिटल से पुट लेके जा रहा था इस जगह पे एग्जैक्ट, बट इसमें मेरा इमीडिएट एसएल गया, तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा 10% का सीधा एसएल यहाँ पर, मैं ये प्रॉब्लम ये होगी कि ट्रेड जब मैं ले रहा था ट्रेड में ऑर्डर्स पंच करके रखे थे, बट इसको ऑब्जर्व करने के बताया मेरा थोड़ा सा वो कॉल वाले पर मैं ज़्यादा ध्यान चला गया, किसी के कॉल पर इंपॉर्टेंट था, तो मुझे थोड़ा सा फिर एकदम से सडन याद आया कि यार भाई यहाँ पर मैं ट्रेड लेके रखा था, तब जाके मैंने तुरंत उसको काटा, और काटना ही ठीक था क्योंकि अभी वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट अभी हमारे एक दो में ट्रेड चले, एक में ऐसा लेट, और अभी देखता हूँ इसमें क्या रहता है, और टाइम हो चुका है हमारा 2:17। तो अभी क्या होते हैं 3 PM कैंडल आएगी, अभी जो टाइम हो रहा है 14:47 बोले तो 2:47 हो रहा है, और अभी 3 PM कैंडल, मैं तीन ट्रेड ले चुका हूँ, ऑलरेडी प्रॉफिट है। अब मैं देखता हूँ 3 PM पर अगर डायरेक्शनल मूव आता है मैं जाऊँगा, नहीं आता है साइडवेज घूमता जाता है तो कुछ नहीं करना है। वैसे अभी तक मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, तो 3 PM के बाद एक मूव आ सकता है। और जो अभी एक ट्रेड पंचअप किया था मैं, ये ऑर्डर जो एक लास्ट ट्रेड मैंने जो जिसमें मेरा एसएल गया है अभी, ये ट्रेड क्या होते हैं, मैंने ऑर्डर लगाए हुए थे इसको पंचअप करने के लिए, बट समहाउ मैं इसको कैंसिल करने का प्लान में था, बट ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया मेरे कैंसिल करने से पहले एग्जीक्यूट हो गया था, तो फिर मेरे को उसको डाइट करना ही पड़ा। तो वो इसीलिए थोड़ा सा अगर आपका चार्ट से अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटता है ना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर जाते हो। उस वक्त मेरा ध्यान हटा था, मैं थोड़ा कॉल पर बिजी हो गया था, इंपॉर्टेंट कॉल थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट था ही, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा क्यों था वो इम्पोर्टेंट कॉल, और उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ध्यान हटा,
हटा तो मार्केट में नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो सेम चीज। इसीलिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन आपने ट्रेड कहाँ अगर ऑर्डर लगा के बताया फिर भी देखो, भले कितना ही दूर हो आपका ऑर्डर, कितने दूर के प्राइस हो, फिर भी देखो, उसको देखना जरूरी है, अदरवाइज एसल जाएगा। एसल मार्केट कभी भी मार्केट तो छोड़ता नहीं है एक मौका भी, तो इसलिए इससे ये सीखने को मिलता है कि ट्रेड अगर करने बैठे हो, ट्रेड लगे हैं, ऑर्डर्स लगा रखे हैं, है ना, वो भी मैंने 5 लाख की कैपिटल से लगा रखे थे, तो देना वहाँ पर क्या बोलते हैं एसएल देना पड़ेगा, या बोले तो ध्यान देना पड़ेगा। बिना ध्यान दिए ऐसे नहीं छोड़ सकते आप ट्रेड को, तो वो मेरे से एक मिस्टेक हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगर 3 PM का वेट करता हूँ अगर कुछ होता है यहाँ पर, तो अदरवाइज़ अभी तक तो पूरा साइडवेज ही चल रहा है। ये देखो पूरा अभी क्या किया मार्केट ने, एक मैं मॉर्निंग में यहाँ लेके गया था, मोमेंटम सुबह सुबह का मोमेंटम पकड़ा था, मोमेंटम स्केल पकड़ा, देन मैं यहाँ पे इधर पे बिग बार भी गया, फिर यहाँ पे मैं इस थोड़ा सा मेरी यहाँ अर्ली एंट्री होगी, मैं बिग बार का मैंने कंप्लीट वेट नहीं किया, और दूसरा यहाँ पे नीचे सपोर्ट भी था, तो थोड़ा सा अर्ली एंट्री, एंड देन यहाँ पे हमने अभी जो मार्केट अब मूव दिया थोड़ा सा, अभी साइडवेज चल रहा है, अभी टाइम 3 बजने का वेट करते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना है ही आज का ओवरऑल है ही कुछ ना कुछ, 136 तो है ही, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना अच्छा ही प्रॉफिट है, काफ़ी अच्छा है मतलब ऑर्डर से। तो अभी 3 बजे की कैंडल अभी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मिला है हमें ट्रेड जैसा, है ना, और तब तक अपन खाना ही खा लेते हैं, कुछ दाल भात, और ठीक है आज का दिन अपना ऑलमोस्ट 1.36 1,36,000 पर क्लोज हो रहा है, और 2 ट्रेड टारगेट हिट, फर्स्ट ट्रेड मोमेंटम स्केल, सेकंड ट्रेड अपना नॉर्मल बिग बार सेटअप है स्केल, थर्ड ट्रेड बिग बार सेटअप है, लेकिन बिग बार वहाँ पर कम्प्लीट ही बना नहीं था, बनने से पहले मैंने ऑर्डर पंचअप कर लिए थे, और क्या बोलते हैं वहाँ से एक अपोजिट कैंडल आ गई और ऑर्डर हिट हो गए, और वो सीधे सीधे उसमें मेरे को अपना जो है 10% एसएल देना पड़ा, और एसएल देना ही पड़ेगा, अगर एसएल को एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो वो प्रीमियम अभी कुल मिला के 0 हो गया, हम उसको होल्ड करते सब जाता, तो एसएल स्टॉप लॉसेस दो, प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करते जाओ। तो अभी नहा धो लिया है और मार्केट हो चुका है क्लोज, टाइम जो हमारा हो रहा है 4:30 बजे, ठीक है, तो ऐसे ही नहाता हूँ भाई, मैं तो दिन में नहाता हूँ, सुबह नहीं नहाता, सुबह नहाना स्टार्ट करूँगा जब मैं जल्दी उठूँगा, आज के मैं देर में उठ रहा हूँ तो सुबह नहीं नहा सकता। बाकी हमारे जो ट्रेड्स हैं आज के, आपको पता देख ही था होगा, देखा ही होगा क्या क्या थे अपने ट्रेड्स, तो जो भी अपने ट्रेड्स रहे थे ऑलमोस्ट यहाँ पर अपन ने क्लोजिंग किया, दो ट्रेड्स चले, एक मैसल दिया है, तो आज का दिन हम 1,36,000 पर क्लोज कर रहे हैं, और अभी थोड़ा कुछ जो भी है अपनी कुछ वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, और जो स्ट्रेटजी अपनी ये इस दिन एक्सपायरी के दिन आने वाली है, मैं भी थोड़ा सा एक इसका इंट्रो वीडियो, एक वार्निंग वीडियो शूट करना, इंट्रो वीडियो जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या और किस किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपने इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, अगर आप स्केल पर्टिकुलरली स्केल्पिंग पकड़ना चाह रहे हो तो, और वो बनाते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जाएंगे। एक ट्रेड था होल्ड कर दिया, सुबह जैसे देखा 6,000 का प्रॉफिट था, और जब एग्जिट करा तो 1,500 का प्रॉफिट आ गया, ऐसे कैसे हुआ? उसको कहते हैं क्या बोलते हैं वो फ्लक्चुएशन, है ना, जो स्लिपेज कहते हैं स्लिपेज। तो बताओ ना मुझे उसको कंफर्म कैसे करना है कि 6,000 का प्रॉफिट चल रहा तो 6,000 पे नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, बट 1,500 में कैसे आएगा वो तो मुझे पता है स्लिपेज में वो तेरे को 6,000 का प्रॉफिट दिखा होगा, कैसे मार्केट खुलती है स्पाइक कैंडल मारती है, हाँ आज ना, हाँ बैंक निफ्टी में गया था, हाँ तो वो उसके बाद एक कैंडल आई थी ना सीधे, वो सीधे कैंडल आई थी ना, तो वही होता है फिर वो जैसे ही ऊपर से तेरे एग्जिट करते तक वो स्पाइक में 1,500 में निपट जाएगा। देख रहा है भाई बंदा। तो अपन आज चल रहे हैं, आज मैं दिखाता हूँ आपको अपना स्कूल, ऐसा रास्ता है कच्चा रास्ता स्कूल, और मैं गाड़ी सीख चुका हूँ तभी मैं लेके जा रहा हूँ, ये हम बचपन में कहाँ पढ़ते थे, कहाँ तक मैं कहाँ मैंने पढ़ा हुआ है, छठी क्लास से लेकर 10वीं कक्षा तक मैंने यहाँ पढ़ा है, अभी मैं दिखाता हूँ ऊपर, और मैंने भी हाँ ये पढ़ा है, और ये पीछे पढ़ा ही नहीं है, ये, नहीं ये, है। ये बिना पढ़े आया है, मैंने यहाँ पे पढ़ा ही नहीं। तो फाइनली मैं आपको अपना स्कूल दिखा देता हूँ, बच्चों ने यही पढ़ा है मैंने, दिशा कॉन्वेंट बाल विकास विद्या मंदिर। तो आज मन किया इधर आते हैं, और आज आ भी गए,
अभी तो काफी और अच्छा बन गया। उस वक्त उतना खास था नहीं, मतलब उतना बड़ा था नहीं, बट पढ़ाई अच्छी थी। और यही अपना ग्राउंड, यहीं पे हम ताइक्वांडो सारे गेम खेला करते थे। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर चलता हूँ। ये वाली थी भाई, पहले ये वाली क्लास थी मेरी, ये वाली पहली मेरी क्लास थी, मतलब मैं इधर बैठता था। ठीक है, ये वाली क्लास मेरी, फिर वो उधर वाली जो थी हमारी स्कूल की टाइम क्रैश क्लास होती थी, यहाँ पर बैठती थी लड़कियाँ इस वाली कुर्सी पे, और हम यहीं पे लटकते थे ऐसे, है ना, ऐसे करते थे लड़कियाँ होती थी इम्प्रेस। दिनेश की तरह तो बहुत फिट है, नया बना है ये, छोटा सा था पहले, तब अब नया बन गया। अभी छोटा है ये मंदिर, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो पहले छोटा सा था ना उसमें, बहुत छोटा था, मंदिर बना दिया अपन ने, स्कूल इधर ही पढ़ा दिया, चप्पल तो अपने लग गए। तो अभी अपन यहाँ के जो मैनेजर थे हमारे, उनसे मिल के आए, तो कल वो अपने आप घर पर आएंगे। तो अभी आ गया हूँ मैं रूम पे, और यही अपना कमरा, वहाँ के इधर उधर हम इधर ही बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा मन किया था, चलते चलते ऐसे ही मन किया था कि स्कूल की तरफ चला जाए। स्कूल में मैनेजर से भी मिल लिए, जो अपने पुराने थे, पुराना जो प्रिंसिपल है वो भी, तो आई थिंक वो कल आए नहीं इधर अपन लोगों से मिलने की, क्या उखाड़ रहे हो तुम इतना बड़ा ट्रेडिंग वेडिंग में। तो हमने कहा आओ, नहीं समझ नहीं आया, हमने कहा आओ, घर से भी हाँ, घर से भी काम हो सकता है, आओ हम दिखाएंगे। तो आज अपने स्कूल जहाँ पढ़ा था, कल उन्हें हम अपना काम दिखाएंगे, थोड़ा सा मज़ा आएगा। ठीक है, और बाकी आज का बताओ, आपने आज का पूरा दिन देखा होगा मेरा, कि मैं किस तरीके से ट्रेड किया था। मॉर्निंग में प्री प्लान ट्रेड था कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मैंने वो एग्जीक्यूट किया। बट ये है कि मेरा, मैं स्कैल्पर हूँ, मुझे जो मिलता है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतना मिलता है, मैं काट के निकल जाता हूँ। अब ज़्यादा मिल गया, गलती से मिल गया, वरना मेरा स्टिक रूल है कि जो मेरे को चाहिए होता है उतना मिल गया, मेरा काम निकल जाना, वो मेरे को 7 सेकंड में मिले, 7 मिनट में मिले, वो मेरे को उतना मिल जाएगा, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज 3 ट्रेड लिए थे, एक मैं ऐसा हिट हुआ था लास्ट में, उसके बाद बंद कर दिया। फर्स्ट 2 ट्रेड अच्छे चले थे, तो यही मेरे आज के ट्रेड थे। बाकी आप मेरा ऐप डाउनलोड करके देखो, स्ट्रेटजी इस एक्सपायरी के दिन अपलोड हो जाएगी उसमें, और आप जाके स्ट्रेटजी को पूरा डिटेल वाइज स्ट्रेटजी को देख सकते हो, और उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैंने पोल डाला हुआ है, पोल में आप अपना डिसीजन दे देना। और मैंने, अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, तो मैंने अब डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स दे रखे हैं, अलग अलग डीमैट अकाउंट के, अलग अलग ब्रोकर के, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और जो आपको ब्रोकर पसंद है आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।